मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। संपत्ति संबंधी अगर कोई काम है तो वो काम आपका हल होगा। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, चोट चपेट से बचाव करें। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। परिवार में शांति बनाए रखें। हनुमान जी को दो पत्ते तुलसी के अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। पैसे की जो बाधाएं हैं ये बाधाएं आपकी पूरी तरह से समाप्त होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी और परिवार के मामले में आप व्यस्त बने रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम आपका काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होती आपकी दिखाई दे रही है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। संपत्ति या वाहन का लाभ आपको होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। सेहत में लापरवाही मत करिए। ऑफिस में विवादों से बचिएगा और महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी मत टालिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी।
धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। इस समय आपकी छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। बेवजह की चिंता से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और अगर जरा सा प्रयास करेंगे तो महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह का तनाव आपको हो सकता है। अपने परिजनों की चिंता हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।